मध्य प्रदेश उपचुनाव में शिवराज मामा की सीट पर बीजेपी ने उतारा उम्मीदवार। मध्य प्रदेश में शिवराज के बेटे ने दिखाया बड़ा दिल, जीता जनता का मन। उपचुनाव में पार्टी के फैसले का कार्तिकेय चौहान ने किया स्वागत। पिता की पारंपरिक सीट बुधनी पर कार्तिकेय देंगे रमाकांत का साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। मध्य प्रदेश की दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। बता दें कि पार्टी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। दरअसल विजयपुर से राम निवास रावत और बुधनी से रमाकांत भार्गव को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान यानी कि मामा के बेटे कार्तिकेय चौहान का रिएक्शन देखने को मिला, जहां पर उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए पार्टी के फैसले का स्वागत किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि वो रमाकांत भार्गव का साथ देंगे और प्रचंड जीत के लिए आज से ही चुनावी मैदान में उतरेंगे और पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश की बुधनी उपचुनाव पर टिकट घोषित होने पर शिवराज के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का बयान सामने आया। कार्तिकेय सिंह चौहान ने कहा कि रमाकांत भार्गव एक वरिष्ठ नेता है, उनके नेतृत्व में हमने कई सारे चुनाव लड़े हैं, अनुभवी नेता हैं। बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं जो मुझसे ज्यादा योग्य और डिजर्विंग है। मेरा वचन है कि बुधनी के चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, पहले की तरह ही लड़ेंगे और दुगनी ताकत के साथ रमाकांत जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। चुनाव में प्रचंड विजय की रणनीति के साथ मैदान में उतरेंगे। सुनिए शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का ये बयान। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक वैभवशाली, शक्तिशाली, एक ऐसे देश का निर्माण कर रही है जिसे आज दुनिया देख रही है। डबल इंजन की सरकार, जहां एक तरफ नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ नेतृत्व आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। ऐसे में टिकट आदरणीय दादा रमाकांत भार्गव जी को जब मिल जाता है तो तीन तीन इंजन लग जाते हैं। आदरणीय दादा रमाकांत भार्गव जी वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनके नेतृत्व में कई चुनाव हमने लड़े हैं, मेरे जन्म से पहले भी चुनाव लड़ती आई है पार्टी। अनुभवी व्यक्ति है, अनुभवी राजनेता है और मैं मानता हूं कि बुधनी का नेतृत्व का फैसला जो पार्टी ने उन्हें दिया है वो एकदम उचित है। उनके साथ साथ कई ऐसे हमारे नेता हैं जो मुझसे ज्यादा योग्य हैं, जो मुझसे ज्यादा डिजर्विंग हैं। मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता लेकिन सब मुझसे ज्यादा डिजर्विंग थे। मैं ये भी जानता हूं कि वो सब दादा के नाम की घोषणा के साथ साथ स्वयं जुटने वाले हैं। और जहां तक मेरा सवाल है पैनल में नाम जाने का, देखिए मैं ने कभी भी इस मंशा के साथ या फिर इस इच्छा के साथ काम नहीं किया कि मुझे कभी टिकट मिले। बुधनी के लोगों के पास जाने के लिए मुझे किसी भी टिकट की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले एक आम कार्यकर्ता के रूप में उनके लिए काम किया है, पार्टी के लिए काम किया है, विचारधारा के लिए काम किया है। देखिए, हम सब विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, यहां पे व्यक्तिगत इच्छाएं मायने नहीं रखती। मायने अगर कुछ रखता है तो वो विचार जो पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को एक माला की तरह पिरो के रखता है, वो विचार के लिए हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। मेरे लिए सचमुच में इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता कि पार्टी के मेरे उन सभी कार्यकर्ताओं ने मेरे नाम को आगे बढ़ाया, पैनल तक पहुंचाया। इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात नहीं, मेरे लिए इतना ही काफी है। और एक वचन मैं देना चाहता हूं आप सबके माध्यम से कि जिस प्रकार से बुधनी का चुनाव आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पार्टी लड़ती आई है, आदरणीय कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में लड़ती आई है, उसमें जरा सी भी कमी नहीं होगी। उससे ज्यादा ताकत के साथ आदरणीय रमाकांत भार्गव जी के नेतृत्व में बुधनी विधानसभा का चुनाव हम लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे। मैं निश्चित रूप से, दादा मेरे लिए पिता तुलनीय है और मेरे लिए तो सचमुच में कोई अंतर ही नहीं है। जैसे पहले मैं चुनाव में काम करता आया हूं,
संगठन के नेतृत्व में मैं काम करता आया हूं, वैसे अब भी मैं उसी ताकत के साथ उसी ऊर्जा के साथ लगूंगा। मेरे लिए ये लक्ष्य है कि कैसे मेरी विचारधारा, कैसे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, कैसे भारत की विचारधारा को इस देश में हम आगे बढ़ाएं, कैसे लोगों तक उसको पहुंचाएं। चुनाव घोषित हो चुके हैं, 13 तारीख को वोटिंग है। मैं सभी कार्यकर्ता साथियों से आह्वान करना चाहता हूं कि हम सब जुट जाएं और आदरणीय दादा के नेतृत्व में एकजुट होकर चुनाव लड़ें। आज सबसे पहले माता विजया सेन के दरबार पर हम सब जाकर सभी कार्यकर्ता साथी, सभी वरिष्ठ नेतागण और हमारे जो आदरणीय दादा हैं जिन्हें उम्मीदवार घोषित किया है, हम सब जाकर पहले माँ का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद सलकनपुर में ही हम सब एकजुट होकर इस कार्य योजना पर चर्चा करेंगे कि कैसे आने वाले 13 तारीख तक हम चुनाव प्रचार को स्ट्रक्चर करें, कैसे संगठन नीचे तक हम एक्टिव करें, कैसे हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं को एक्टिव करें, कैसे शक्ति केंद्र पर बैठकें ली जाए। ये सारी योजना आज इस पर चर्चा की जाएगी। तो मैं आप सभी के माध्यम से पुनः कार्यकर्ता साथियों को कहना चाहता हूं कि सलकनपुर में हम सब एकत्रित होंगे, आप सब वहां पर जरूर पहुंचे। वहीं दूसरी ओर रमाकांत भार्गव की बात करें तो इनकी गिनती बीजेपी के कद्दावर नेताओं में की जाती है। दरअसल बीजेपी ने साल 2019 में इन्हें विदिशा लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था और इस चुनाव में रमाकांत भार्गव ने 5,03,000 से ज्यादा वोटों के साथ अपनी जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस के शैलेंद्र चंद्र को चुनावी मैदान में करारी कष्ट दी थी। साल 2019 से पहले की बात करें तो इन्होंने एक भी चुनाव नहीं लड़ा था। वे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। इसके अलावा जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष और अपेक्स बैंक के भी अध्यक्ष वो रह चुके हैं। उनका बुधनी और इछावर में सहकारी का बड़ा नेटवर्क भी है। यहाँ ब्राह्मण वोटों की अधिकता है और रमाकांत के बारे में ये कहा जाता है कि वो काफी ज्यादा सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और उनकी छवि काफी ज्यादा साफ भी है। हालांकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका टिकट काट कर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया था। यहां से जीत कर वो लोकसभा पहुंचे और ऐसे में अब भार्गव को उपचुनाव में विधानसभा उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो रमाकांत भार्गव एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। दरअसल बुधनी सीट 2024 लोकसभा चुनाव के बाद खाली हो गई है और इस सीट पर कुल वोटर की संख्या 2,44,000 बताई जा रही है। साल 2003 से इस सीट पर लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है। यह सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। बता दें कि रमाकांत भार्गव को पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के करीबियों में से एक गिना जाता है और ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी यहां लीड कर सकती है क्योंकि वहां पर स्थानीय लोग भी रमाकांत भार्गव के चुनावी मैदान में उतरने से काफी ज्यादा खुश बताए जा रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि वहां पर जो वोट बैंक है वो ब्राह्मण वोट बैंक है। ऐसे में रमाकांत भार्गव को चुनावी मैदान में उतारा जाना बीजेपी के लिए एक सफल रणनीतिक कदम के तौर पर माना जा रहा है। आपको यहां पर यह भी याद दिला दें, जैसा कि बुधनी शिवराज सिंह चौहान की पारंपरिक सीट रही है, ऐसे में कहा जा रहा था कि कार्तिकेय सिंह चौहान को यहां से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है और इसके लिए उन्हें प्रबल दावेदार भी माना जा रहा था। यहां तक कि उनका नाम जो है वो पार्टी के पैनल तक भी पहुंचा, लेकिन पार्टी ने यहां पर साफ तौर से अपनी रणनीति को क्लियर करते हुए रमाकांत भार्गव को टिकट दिया है। अगर यही फैसला किसी अन्य पार्टी में होता तो शायद बड़ी बगावत देखने को मिल सकती थी, लेकिन बीजेपी की यही खासियत है कि यहां पर हर एक नेता, फिर चाहे वो वरिष्ठ नेता हो या फिर पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हो, बीजेपी की लीडरशिप में जो फैसला लिया जाता है उस फैसले को मानते भी हैं, उस पर सहमति भी जताते हैं और उस फैसले को सही ठहराने के लिए जी जान से मेहनत भी करते हैं। और यही चीज एक बार फिर से कार्तिकेय सिंह चौहान के साथ नजर आ रही है क्योंकि उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया है कि वो मिल करके रमाकांत भार्गव के लिए बुधनी सीट पर प्रचार करेंगे, जैसा कि उन्होंने अपने पिता शिवराज सिंह चौहान के लिए किया था। वहीं दूसरी ओर अप्रैल 2024 तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कद्दावर चेहरा रहे राम निवास रावत को बीजेपी ने विजयपुर सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। दरअसल राम निवास रावत ने 30 अप्रैल को कांग्रेस का साथ छोड़ लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल हो गए थे। 6 बार कांग्रेस
कांग्रेस के कोटे से विधायक रह चुके रामनिवास रावत को बीजेपी ने 8 जुलाई को मोहन यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बनाया है। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश के उपचुनावों में इन दो दिग्गजों के चेहरे पर दाव खेला है, तो क्या बीजेपी इसमें सफल हो पाती है या नहीं। वैसे लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में शानदार जीत बीजेपी की देखने को मिली है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।